बढ़िया बढ़िया रखो आठ रुपया 480 रुपया कटो हम लोग इस वक्त हैं नारान में और ये हमारे साथ हैं लाला सरफराज भाई और ये बहुत ही मज़े के चपली कबाब बनाते हैं और बाज़ार के बिल्कुल सेंटर में इनकी शॉप है। क्या नाम है आपकी शॉप का? मशहूर आज हम इनसे चपली कबाब बनाना सीखेंगे और टेस्ट करके भी आपको बताएंगे कि चपली कबाब इनके जो है वो इतने मशहूर जो है वो क्यों है। हाथ को जो है पानी जरूर लगा लेना नहीं तो ये छिपकेगा। बड़ी दवा ये लौंग आ गई, लौंग और ये काली मिर्च आ गई, काली मिर्च और ये आ गया मसाला आ गया, ये भी दूसरा मसाला, ये खाली मिर्च आ गई, ये नमक आ गया, ये पिसा हुआ धनिया आ गया, इसी में ठीक हो हर चीज मिक्स सही हो और ये दड़ा मिर्च आ गया, दड़ा मिर्च ये हम मसाले डालते हैं और दूसरे फिर अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, इसमें कुटा हुआ अदरक, अदरक जी कुटा हुआ अदरक जी सही हो, अनारदाना डालते हैं, अनारदाना डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, प्याज डालते हैं, क्या क्या इसमें हरी मिर्च और प्याज, हरी मिर्च और प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक कटी हुई ये डालते हैं और ये मसाला और अनारदाना, अनारदाना डालते हैं और लहसुन भी डालते हैं, लहसुन और अदरक जो है वो कूटा हुआ भाई अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें पहले से मिक्स किया हुआ है उन्होंने, ये सिर्फ हमें बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ इसमें डाली जाती है, इसलिए ये सारे मसाले यहाँ पे रखे हैं, ये इन्होंने मिक्स किया हुआ है तो अभी बस ये बना रहे हैं। तो आप दिन में तकरीबन कितने गोश्त का बनाते हैं चपली कबाब? पहले तो ज़्यादा होता है, आज भी तो रश नहीं है, काम है तकरीबन मान डेढ़ मान अंदर भी निकालते हैं। माशाल्लाह, तो जब रश होता है तब दो तीन मान ज़्यादा निकालते हैं। लाला सरफराज बता रहे हैं कि जब रश होता है जिन दिनों में तो एक दिन के हम 3 से 4 मन के करीब जो है गोश्त हमारा लग जाता है चपली कबाब बनाने में। इन दिनों में रश बहुत ज़्यादा नहीं है तो इन दिनों में भी 1.5 से 2 मन जो है वो गोश्त के ये कबाब बना रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चपली कबाब जो है वो कितने मशहूर हैं यहाँ के, और जो भी यहाँ पर आता है वो चपली कबाब खाए बगैर नहीं रह सकता। और सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो हैं इनको भी इन्होंने साथ थोड़ा फ्राई कर लिया और अभी ये चपली कबाब के साथ ही जो है वो कस्टमर को दी जाएंगे और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सरफराज
सवा मसाला बा। चपली कबाब जो हैं वो इस तरह कस्टमर को यहाँ पे पेश किए जाते हैं। नीचे जो है वो चपली कबाब है मज़ेदार, उसके ऊपर सब्ज़ मिर्च जो है ये थोड़ी फ्राई की हुई है, टमाटर भी थोड़ा फ्राई किया हुआ, और उसके अलावा बारीक कटा हुआ सब्ज़ मिर्च और प्याज है, और उसके साथ ये चटनी है, इसमें भी बिल्कुल बारीक बारीक अनारदाना और काली मिर्च वगैरह ये चीज़ें ग्राइंड की हुई है इसमें, और ये रोटी है साथ। अभी हम टेस्ट करेंगे, अभी जो शेफ़ हैं उनके बेटे हमारे साथ, और ये भी हमारे साथ टेस्ट करेंगे, और फिर आपको बताएगा कि जो चपली कबाब है वो कैसे बने। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये सिर्फ आप खाएंगे तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़ेदार कबाब है। ये देखिए माशाल्लाह, और ये अभी ये गर्म है, और खाने का मज़ा भी थोड़ा गर्म ही हो तो फिर ही आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार है। तो अगर आप भी घर पे बनाना चाहें तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम नारान में ही हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ की जो छोटी छोटी रेसिपीज हैं कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ शेयर की जाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। तो जब भी कभी नारान आए तो लाला सरफराज के हाथ के चपली कबाब जो है वो ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह।